से भी कॉल आया था आरजे भाग्या श्री से, हम लोग उनको भी सिलेंडर सप्लाई करे और ढक्कन हॉस्पिटल से भी ढक्कन हॉस्पिटल को भी करे जो ये काम अंजाम दे रही है यूथ वेलफेयर सोसाइटी। ऐसा कोई मजहब नहीं देख रहे हम लोग, हर किसी को दे रहे हैं। थोड़े एक्टिव मेंबर एमआईएम के लीडर गन से भी कॉल आया था, हम लोग उनको भी सप्लाई करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सिलेंडर नहीं रहा तो हम लोग ऐसे रिफिलिंग करा के दे रहे हैं माशाल्लाह। ये जो है ना हमारे मुजीब भाई जलपल्ली के प्लांट वाले बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, हर किसी को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन लोगों को जजाए खैर दे, अगर हुकूमत से इन लोग कुछ अच्छा करे तो अच्छा है। हम लोग जो भारत जीत वेलफेयर सोसाइटी है, हम लोग की भी आप लोग कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे हुआ हूँ, इंशाल्लाह आप उसमें रब्ता करिए। जज़ाकअल्लाह। मेडिकल सर्विस हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स को, पेशेंट्स को दोनों पेशेंट्स 500-600 पेशेंट्स आते हैं, लोगों को सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल को भी आके आते हैं। कंटेनर बिजनेस से है इंशाल्लाह, आगे भी दिक्कत भी है, लिक्विड कभी भी रहेगा इंशाल्लाह फिल करते रहेंगे। बड़े सिलेंडर को क्या चार्जेस है? बड़ा सिलेंडर अभी 1400 रुपये है, छोटा सिलेंडर 600। कितने टाइम में दे रहे हैं आप लोग? 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है रिफिल करने के लिए, रिफिल करके 2 से 3 घंटे। जितने दिन से स्टार्ट हुआ उसमें कौन से दिन में आपको ज़्यादा जो है पेशेंट्स आए? दिन बोल के सब डेली है, जब भी गैस खत्म हो जाता है वो आने के टाइम जितना लगता है वो टाइम में ज़्यादा पब्लिक जाए, पब्लिक बाहर ज़्यादा ठहरी हुई है। डेली का जो डेली का रूटीन जितना अगर कोई अगर आज 400 दिए या किसी दिन 500 दिए, कौन से दिन ज़्यादा दिए? 400-500 दे रहे, केसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। कौन से दिन कितना हुआ वो हिसाब से तो नहीं पता, डेली ज़्यादा ही हो रहा है, कंटिन्यू डे बाई डे बढ़ते ही जा रहा है, इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, कम नहीं हो रहे सिलेंडर के लिए, ज़्यादा मांग बढ़ते जा रही है। तो आपको जो ऑक्सीजन जहाँ से गवर्नमेंट से सप्लाई है आपको काफ़ी मकदार में आ रही है या कोई आपको जो है? अभी तो सफिशियंट आ रही है जी, नेक्स्ट वीक तक कैसा होता है वो मालूम नहीं, अभी तक तो सफिशियंट है। आपका नाम? सुजीत खान। थोड़ा आपका नंबर अगर जो है हमारे चैनल नंबर है मगर नंबर बंद है, कंटिन्यूस कॉल जा रहे हैं, मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। जलपल्ली पे है ये, वही पर डायरेक्ट अगर आ गया तो 3 से 4 घंटे ठहर के फिर वो भी अगर लिक्विड रहा तो लिक्विड नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं वो तो आप नहीं कर सकते, आप जो सर्विस दे रहे हैं जी ठीक। अच्छा है और हमारे घर पे क्या है सब बुरा से दो जमा उनकी, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत मेहनत आ गया तो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट से तो हेल्प नहीं मिली हमारे को, लेकिन नहीं मानेगा गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है बोल सकता हूँ मैं, चाहे अपने तेलंगाना से थोड़ा बहुत फ्री बोल सकते लेकिन गवर्नमेंट तो मैं पे राजेंद्र नगर पर रहता हूँ, एक सिलेंडर के लिए इतना करना पड़ रहा है। 6-6 घंटे कितने बजे आए आप? मैं आके करीब 1.5-2 घंटा हुआ। कितनी देर में दे रहे हैं यहाँ पर सिलेंडर? कौन सा छोटा लाया बड़ा लाया? यहाँ से सप्लाई मेरी हमारे को इतनी से कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी सी बात है कि गवर्नमेंट थोड़ा और थोड़ा अगर इसकी या कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे को बहुत सहूलत होंगी, क्योंकि यहाँ से तो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अनेबल के ना, इस चीज़ की तो हमारे कोई वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इनको भी क्या लिक्विड नहीं दे रही, ये लोग भी हमारे को देने से इनकार करने कर रहे हैं अनेबल के नहीं, हम लोग को दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट इनको बढ़ाएंगे तो इन लोग हमारे 24 घंटे सर्विस दे सकते। ये आपका जो सवाल है जी, आप राजेंद्र नगर में रहते हैं जी, फिर आप वोट किसको डालें? हम अपने यहाँ की जो TRS है गवर्नमेंट है अपने MM है। फिर आप नेक्स्ट आए तो क्या करेंगे उनको डालेंगे? अभी जो वही सोचना है, अब आपके वक्त पे नहीं आए उन्होंने? नहीं 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 है। तो फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे उनको? अभी हमारे जो अभी अलहमदिल्ला MM की पार्टी वाले जो उनकी तरफ से तो दे रहे, हमारे TRS है कि हमारे राजेंद्र नगर के जो TRS का जो MLA है उन्होंने तो अभी तक एक बार पूछा नहीं, कहाँ है फिर उन्होंने अभी तक कोई आके देख रहे हैं ना, कोई पूछ रहे भी नहीं ठीक। नंबर दीजिए। नहीं कुछ भी नहीं है।
हाँ फिर रहे आप लोग दुबई से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गाड़ियाँ